आज जो हालात है देश के वो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। पूरे देश में इस लोकसभा चुनाव में एक माहौल दिख रहा था कि पूरे देश के लोग मोदी जी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। पूरे देश के अंदर बेरोजगारी समस्या के तौर पर उभरी है। पूरे देश में नोटबंदी से जो सबके काम धंधे ठप हो गए, बिजनेस ठप हो गए, जीएसटी से लोगों के धंधे ठप हो गए, उससे लोग बहुत बड़ी मात्रा में नाराज थे। और लगातार हम देख रहे थे कि नौकरियां लोगों को नहीं मिल रही, बेरोजगारी बढ़ रही है। लेकिन इतने सारे मुद्दे होने के बाद जहां अमित शाह जी की या मोदी जी की रैलियों में कुर्सियां खाली थी, किराए पे लाला के लोगों को लाया जा रहा है, उनके एमपीज तक ने अपने उनकी जो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि उनको एक रैली के 10-10 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई जिससे एक वातावरण था, पूरा देश सरकार को बदलना चाहता था। पूरे देश में जो सर्वेस आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास पहुंचेगी और 200 के आसपास पूरा एनडीए पहुंचेगा। लेकिन उसके बाद जो पूरा चुनाव होते ही जो बात अमित शाह जी बार बार बोल रहे थे, उसके बाद एग्जिट पोल आया और वो सारा ऐसा लगा जैसे प्लांटेड है। सबके सब इतनी उतनी सीटें लगभग दे रहे थे जितने अमित शाह जी ने बोली। और उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट भी बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर भी नहीं, जो अमित शाह जी ने बोला वही रिजल्ट आया। इसके बाद अब जो डॉक्यूमेंट की जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि 373 लोकसभा सीट ऐसी हैं, बल्कि उससे भी अधिक, जहां जो वोट डली है और जो वोट गिनी गई है उसमें भारी अंतर देखने में आ रहा है। इससे उस बात को बल मिलता है जो पहले सभी पार्टियां मिलके आवाज उठा रही थी कि ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है और हमारी ईवीएम की पर्चियां पहले काउंट की जाए, बाद में फिर उसका रिपोर्ट जो ईवीएम का काउंट किया जाए। लेकिन वो बात इलेक्शन कमीशन ने नहीं मानी और बाद में कोर्ट से भी उससे जनता को रिलीफ नहीं मिला। सारे 22 पार्टियां कोशिश करके रह गई और वो जो 3 दिन पहले एग्जिट पोल ला के जो देश में जनता में एक जनता के मन को तैयार किया गया कि वो उस रिजल्ट को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, और वो हुआ भी। और उसके बाद कोई आज कोई पॉलिटिकल पार्टी बोल नहीं रही है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि इसके अंदर बहुत बड़ी धांधली है, क्योंकि 373 से ज़्यादा सीटों पे वोटों की गिनती का मिलान ईवीएम की वोट के से नहीं मिलना, ये एक संदेह पैदा करता है। और इस पे फिर चुप इलेक्शन कमीशन का चुप बैठ जाना, कोई जवाब ना देना, तो ये आज जो सारी संस्थाएं जिस तरह पूरे तरीके से दबाव महसूस कर रही हैं, इसके ऊपर संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक कमेटी गठित करेगी। और वो कमेटी भारत में सभी निर्वाचन क्षेत्रों से आरटीआई या दूसरे माध्यमों से जानकारियां इकट्ठी करेगी और उसकी जांच करेगी कि ये किस हद तक परिणामों को प्रभावित किया गया है। और वो रिपोर्ट जब आएगी, वो रिपोर्ट हम आप सबके सामने शेयर करेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति संविधान बचाओ संघर्ष समिति तैयार करेगी। सर, जिस तरीके से आप ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं और आपको पता था कि ईवीएम में गड़बड़ है, फिर आप लोगों ने इलेक्शन का बहिष्कार क्यों नहीं किया? इलेक्शन का बहिष्कार एक आदमी के करने से उसका रिजल्ट आने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि हमारी जो दिशा है, हमारी दिशा अपनी जगह ठीक थी और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी प्रयास किया, कोर्ट तक भी गए लोग, इलेक्शन कमीशन लोग पहले जाते हैं, कानून का दायरा ही तो चुनेंगे, संविधान के तरीके से ही तो आगे बढ़ेंगे, संविधान के खिलाफ जाके थोड़ा ना काम होता है। तो संवैधानिक जो रास्ता था, पहले इलेक्शन कमीशन के पास जाना, वो अगर स्वीकार नहीं करता है तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना। तो 22 पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई, उसके बाद जो रिजल्ट आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि इसकी जांच करके समय आगे कि कम से कम उसका एक सच्चाई पता लगाई जाए, लगा के फिर जनता को उसके प्रति जागरूक किया जाए, ताकि भारत के संविधान को, भारत के लोकतंत्र को बचाने में हम सब लोग अपनी भूमिका निभा सके। 2014 में भी धांधलेबाजी हुई थी जो बीजेपी आई थी, और हर किसी का आंकड़ा यही चल रहा है कि ईवीएम जो है वो फ्रॉड है और गलत है। तो क्या सभी पार्टियों को ईवीएम बैन करके बैलेट पेपर से इलेक्शन इस बार का नहीं कराना चाहिए था क्या? पार्टियों ने अपने तरफ से काफी प्रयास किए, सुप्रीम कोर्ट में 50% मशीनों का मिलान करने की भी बात की, लेकिन आज जो माहौल और जो हालात है उसमें सबके रिजल्ट्स आपके सामने, जो भी हुआ उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, जो हो चुका उस पर बात करने की बजाय हम लोग क्या कर सकते हैं अपने देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए, हम उस पर काम करेंगे। मैं चाहूंगा जी डॉक्टर रतन लाल जी इस पर प्रकाश डालें कि कब की ये तय कर रहे हैं, जो एक धरना भी प्लान कर रहे हैं उस पर। संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ईवीएम पे हमें कतई भरोसा नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ह्यूमन मेड मशीन है ये, और मशीन से हेरा फेरी की जा सकती है।
और इसका जो है पूरा प्रयोग हरि प्रसाद जो साइंटिस्ट थे वो अमेरिका में है, उन्होंने करके दिखाया था और देश छोड़ना पड़ा। अभी वो भारत में है सर, उससे चुनाव को मिलना नहीं चाहते, मिलना नहीं, नायडू लेके आए थे उनको। हाँ, तो ये ह्यूमन मेड है और ह्यूमन मेड मशीन से छेड़छाड़ संभव है। दूसरी बात है कि हमारा जो ये विरोध था, पहले भी हम लोगों ने लगातार विरोध किया है, लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो सामाजिक संगठन की एक सीमा होती है, और हमारा जो विरोध है इसलिए, हमारा जो ऑब्जेक्शन है, जो हमारा डाउट है, जो शंका है, इसलिए भी और पुख्ता होता है कि अभी दो तीन दिन पहले अमेरिका के किसी अधिकारी प्रवक्ता ने यह कहा है कि भारत में जो चुनाव हुए वो फेयर हुए हैं। तो हमें यह पूछना है कि आपसे किसी ने यह पूछा था कि भारत में कैसे चुनाव हुए? अगर ये फेयर हुए हैं तो फिर अमेरिका में ईवीएम से क्यों नहीं चुनाव होता है? आपको भारत की पॉलिटिक्स पे, इलेक्शन पे आपको कमेंट करने के लिए किसने कहा था? तो अगर फेयर हो रहा है तो अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है ये कहीं गुप्त रूप से भारत अमेरिका के बीच में कोई डील हुई है, और लोग चाहते हैं कि भाई अमेरिका से सर्टिफिकेट ले लें कि यहाँ फेयर हुआ है तो ठीक हो जाएगा। अभी क्विंट का रिपोर्ट छपा है और उसके पहले भी मशीनें गायब हुई हैं, मशीनें कहीं फेंकी गई पाई गई हैं, उसमें हेरा फेर। अखबार की तमाम रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है, और क्विंट का रिपोर्ट आया है उसमें चार कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्होंने जिक्र किया है कि कांचीपुरम में 12,14,086 वोट पोल्ड हुए और काउंट हुए 12,32,417, डिफरेंस है 18,331। धर्मपुरी में 11,94,440 वोट पोल्ड हुए, 12,12,331 काउंट हुए, डिफरेंस है 17,871। श्री पेरम्बदूर में 13,88,666 वोट काउंट हुए, पोल्ड हुए 14,03,178, डिफरेंस इज 14,512। मथुरा में 10,88,206 पोल्ड हुए और काउंट हुए 10,98,112, डिफरेंस 9,906। अब सवाल है, ये मेल क्विंट ने पूरा स्टोरी बनाया है कि मेल बार बार लिखते रहे और मेल का जवाब नहीं आया, अल्टीमेटली शायद कुछ उसमें से इरेज कर दिया गया है डेटा। अब सवाल है कि जब 77 में और 80 में जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो 3 दिन में चुनाव निपट जाते थे और 1-2 दिन में गणना भी हो जाती थी। अब आप 2 महीने चुनाव करवा रहे हैं, इसके बीच हेरा फेरी होने की तमाम संभावनाएं हैं। नियम के अनुसार से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनको हर दो घंटे पे उनको अपडेट करना होता है कि कितना वोट गिरा। तो क्या इलेक्शन कमीशन को अब तक डेटा अपडेट करने में और जो ये आंकड़े दिए गए हैं उसको वेरीफाई करने में इतना वक्त क्यों लगा? ये सब सारे सवाल हैं जो हमारे जहन में है। डॉक्टर रतनलाल जी, अभी तक जो चुनाव हुए हैं, लेट मी कंप्लीट कि ये सारे डाउट्स हैं। इसलिए हमें लगता है कि दुनिया के तमाम देश जहां पे ईवीएम का खोज हुआ, आविष्कार हुआ, जो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हम लोग बोरो करते हैं यूरोप अमेरिका से, तो वहां पे जब ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ ही जजमेंट दिया है, तो जब वहां नहीं हो रहा है तो भारत में चुनाव ईवीएम से कराने की क्या बाध्यता है? इसलिए इसमें हमें संदेह लग रहा है, मुझे लग रहा डाउट है कि दुनिया के सबसे बड़ी लोकशाही जो है भारत में, उसमें लोकशाही की चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, हेराफेरी हो रही है। इसलिए संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव हो। और देखिए, राजनेताओं से भी अपील है कि पॉलिटिकल पार्टी जो चुप है, आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है। ये हार जो है या जीत जो है, रिग्ड हार और जीत है, और इसमें आपको बाहर आना पड़ेगा। और संविधान बचाओ संघर्ष समिति से के मन से देश के तमाम संगठन, जैसा हम लोगों ने पहले भी किया है, उनसे अपील कर रहे हैं कि 8 तारीख को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कैंडल मार्च, कहीं जो महत्वपूर्ण केंद्र है आपके शहर में, आपके कस्बे में, अपने झंडे के तहत, अपने बैनर के तहत जितने लोग हो सके मोबिलाइज कीजिए, इकट्ठे होइए और ईवीएम के खिलाफ पूरे देश भर में एक कैंडल मार्च या कैंडल प्रोटेस्ट आयोजित करें। हम लोग 8 तारीख को हम लोग दिल्ली में, 8 जून को हम लोग दिल्ली में करने जा रहे हैं। इसलिए देश के तमाम संगठन, नेता चुप है, नेता पहले भी बहुत सारे इश्यूज पे चुप रहे हैं, चाहे वो 2 अप्रैल हो चाहे 5 मार्च हो, देश की जनता, आवाम जो है इंसाफ पसंद लोग सड़क पे आए थे। तो लोहिया कहते थे कि जब सड़क सुनसान होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो इसीलिए जो सामाजिक संगठन है, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस ईवीएम के खिलाफ प्रतिरोध दर्ज करें, प्रतिरोध करें। और 8 जून को एक प्रतीकात्मक भारत के हर शहर के लोगों से अपील है कि आप अपने अपने यहाँ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, जितने भी हो, कैंडल चला के इसका विरोध करें। और चूंकि संविधान जो गैर संवैधानिक जो बातें होती है उसके खिलाफ हम लोग ये बात उठाते हैं, तो
जितने सामाजिक संगठन है उनसे अपील है, राजनीतिक दलों से अपील है कि इसको मुद्दा बनाया जाए। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, ये पॉलिटिकली ही रिजॉल्व होगा, इसको पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व किया जाएगा, पार्लियामेंट में ही नए कानून बनेंगे। इसलिए नेताओं को आगे इस इशू पे सवाल उठाना चाहिए। सूरज जी बोले, जस्ट टू रिपीट, देयर इज अ पीपल्स कमीशन बीइंग फॉर्म्ड, मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ उसको, जो लोगों की कमीशन होगी, 2 महीने में अपनी रिपोर्ट दस्तावेज पूरे देश के लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी कि किस तरह से इस चुनाव में ईवीएम के मार्फत हेरा फेरी हुई है। ये जनादेश नहीं है, ये जनादेश का उलट एक तरह से उसका उसके साथ एक खिलवाड़ है, जो लोकतंत्र के की हत्या के समान। और दूसरी बात है कि इसके लिए 8 जून को एक प्रतीकात्मक विरोध के लिए शाम के समय कैंडल लाइट प्रोटेस्ट, हम लोग इसलिए सामाजिक संगठन संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ये आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक दल चुप हैं। वो किस डर के कारण चुप हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। हम उनको भी अपील करते हैं कि वे पूरे देश में इस मुद्दे पर हमारे साथ एक सामाजिक संगठन के साथ खड़े होकर इसका विरोध करें, और इस तरह से हम लोग लोकतंत्र को अगर बचाने में कामयाब होंगे तो हम समझते हैं कि संविधान भी तब बचा रहे। अब आप पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है, चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की पूरे मामले में क्या भूमिका देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव 22 दल गए थे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग बिल्कुल नहीं मानने के लिए तैयार है। उनका कहना है तमाम गड़बड़ी की बात कह रहे हैं, फिर चुनाव हुआ है, भूत प्रेत ने वोट नहीं दिया, आज बयान आया है। मुझे लगता है कि ये सही मायने में लोकतंत्र के साथ मजाक है, और जो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की भावना इसमें बिल्कुल मर रही है। इलेक्शन कमीशन को खुद ही चाहिए कि लोगों के संशय को खत्म करे। अगर जर्मनी के अंदर जर्मनी की कोर्ट में 2 लोग जाके ये कह सकते हैं कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है, और 2 लोगों की बात को मानते हुए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन स्थापित करने के लिए वहां की कोर्ट ने ईवीएम को खारिज करके और मतपत्र के द्वारा चुनाव कराया, तो फिर भारत का निर्वाचन आयोग क्यों इस लोगों की के संदेह को खत्म करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ता है? उसको बढ़ना चाहिए। उसका ये जो एक तरीके से केंद्र सरकार के साथ खड़े हो जाना, 22 दलों के विपरीत जाके निर्णय देना, ये जनता की भावनाओं के खिलाफ है, प्रजातंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। इससे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने पे संशय पैदा होता है। एक छोटा और सवाल है, इसमें ऐड कर दूं कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, लेकिन इस देश में संविधान सुप्रीम है और कुछ सुप्रीम नहीं। एक और फॉर्मूला कर सकते हैं ना, इलेक्शन कमीशन रेफरेंडम करा ले देश में कि जो बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं वो बैलेट पेपर से वोट दें, और जो ईवीएम से वोट देना चाहते हैं ईवीएम से वोट दें। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा वोट हम बैलेट मुहर लगा के दें, तो इस पे इलेक्शन कमीशन, ये मेरे फंडामेंटल राइट है, वोटिंग इज फंडामेंटल राइट। अगर देश की 25-30% जनता या 50% जनता ये कहती है कि मैं बैलेट पेपर से चुनाव देना चाहता हूं, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये तानाशाही कर सकती है कि नहीं आपको ईवीएम से ही देना पड़ेगा? तो इस मंच के माध्यम से हम ये भी मांग कर रहे हैं कि आप जनता को च्वाइस दीजिए। हर जगह च्वाइस रहता है, च्वाइस हर जगह रहता है, एक तरह का ये तानाशाही है। और ये बॉडी हम लोग देख रहे हैं पिछले 5 साल का अनुभव में, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो सब हाईजेक्ड है, हाईजेक हो चुका है। चुनाव आयोग के ही एक अधिकारी थे लवासा, वो भी 3 दल 3 खंडपीठ जो है चुनाव, उसमें उन्होंने जो कुछ गंभीर आरोप लगाए थे, तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि उनके आरोप को आप लोग मान रहे हैं, या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन प्रेशर में काम कर रहे हैं? फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ने इसमें क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, तो ये कुरैशी साहब ने, कई लोगों ने किया है, इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स इसमें सवाल उठा रहे हैं। एक चीज मैं भी इस पे कहना चाहता हूँ, उनके सवाल जो उन्होंने पैदा किए वो वास्तव में उसमें कुछ ना कुछ बात गंभीरता दिखती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई बेंच बैठती है, हाई कोर्ट की बेंच बैठती है, और अगर किसी जज का डिफरेंट भी होता तो वो भी जजमेंट भी लिखा जाता है, तो आखिर इलेक्शन कमीशन उसी सिद्धांत को फॉलो क्यों नहीं करता? वो उनके विचार को उसमें लिखता क्यों नहीं अपनी जजमेंट में? कहीं ना कहीं संदेह तो पैदा होता है, तो लवासा के मत को भी उसमें लिखा जाना चाहिए था। सॉरी, इलेक्शन के अंदर देखा गया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।